सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्च में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि अगर अपने गूगल पे ऐप के थ्रू अगर आप कहीं पे यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं या दोस्तों आप कहीं पे पैसा भेज रहे हैं, जैसे दोस्तों इस तरीके से हम एक रुपए का पेमेंट किया अपने गूगल पे ऐप के थ्रू, तो मेरा पेमेंट दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हुआ है, बल्कि दोस्तों मेरा पेमेंट यहाँ पे पेमेंट कह रहा प्रोसेसिंग में चला गया है। सो दोस्तों अगर आप भी गूगल पे यूज करते हैं या फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं, अगर आप भी कहीं पे पेमेंट करते हैं, अगर आपका भी पेमेंट इस तरीके से प्रोसेसिंग में चला जा रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कैसे होगा, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ यहां पर लाइव करके बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले। सो दोस्तों अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो चलिए दोस्तों हम आपको सब कुछ यहां पर करके बताते हैं, करके दिखाते हैं। जैसे दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि गूगल पे ऐप यूज करते हैं, फोन पे ऐप यूज करते हैं और पेटीएम ऐप यूज करते हैं, और गूगल पे जब चलाते हैं तो अपने गूगल पे ऐप के थ्रू कहीं पे पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपका पेमेंट फेल हो जाता है या दोस्तों आपका पेमेंट यहां पे दोस्तों होता ही नहीं है। और दोस्तों बहुत केस में ऐसा होता है कि आपके गूगल पे ऐप से जब आप पेमेंट करते हैं, आपके गूगल पे ऐप से आपका पेमेंट कट जाता है और आपका पेमेंट फेल हो जाता है। दोस्तों अगर आपके साथ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको जो पेमेंट है प्रोसेसिंग में चला गया, आप जिस बंदे के पास पैसा भेज रहे हैं उस बंदे के पास आपका पैसा नहीं गया है, या दोस्तों आपके अकाउंट में पैसा रिटर्न नहीं है, आपका पेमेंट बीच में रुक चुका है, दोस्तों इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको 7 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप 7 दिन वेट करेंगे, 7 दिन के अंदर दोस्तों आप जहां पे पैसा भेज रहे थे, जैसे अगर अपने फ्रेंड रिलेटिव कहीं भी अगर आप पैसा भेज रहे थे, अगर उस बंदे के पास 7 दिन के अंदर पैसा नहीं पहुंचता है तो आपके अकाउंट में 7 दिन के अंदर दोस्तों आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 7 दिन के अंदर अगर आपका पैसा आता नहीं है, रिसीव नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस केस में सबसे पहले आपको जो आप पेमेंट करेंगे, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको टाइम मिलेगा और दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा, यूटीआर नंबर मिलेगा, और आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप जो भी पेमेंट किए हैं उसका आप एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली आपको गूगल को ओपन करना, उसके बाद में आपको यहाँ पे npci.org आपको टाइप करना। टाइप करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको उसमें एक ऑप्शन होगा आपको यूपीआई कंप्लेंट का, आपको यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको प्रॉपर फिल करना। फिल करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो पैसा है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में नहीं आया तो आपके अकाउंट में आपका जो पैसा है इजीली आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 7 दिन के अंदर सब कुछ यहां पे क्लियर हो जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा कि दूसरे अकाउंट में पैसा जाएगा, आपको यूपीआई कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों बाई चांस अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस नहीं आ रहा तो दोस्तों आप यूपीआई कंप्लेंट इजीली कर सकते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जा रहा है तो आपको परेशान नहीं हो रहा है, बहुत सारे सोल्यूशन है, इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।